केंद्रीय नेतृत्व की नाराजगी के बाद झारखंड कांग्रेस के मंत्रियों की जन सुनवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। कांग्रेस भवन में जन सुनवाई कार्यक्रम के पहले दिन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोगों की फरियाद सुनी। इस जन सुनवाई में रक्तदान से संबंधित संस्थान ने स्वास्थ्य मंत्री पद संवेदनशील नहीं होने का आरोप लगाया। देखिए रिपोर्ट। अपनी भावनाओं से तीन अलग अलग डेट में अवगत करा चुके हैं। 1250 रुपए का आप प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर साहब ब्लड बेचते हैं। सरकार ने हमको 1000 लागू करके फिर के जमीन पर रहते हैं, हमें आवासीय चाहिए। प्रत्येक मंत्री को यह दायित्व तो दिया गया है कांग्रेस कार्यालय में 11 से 2 बजे तक जनता की समस्याएं सुने। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक बार फिर से जन सुनवाई की शुरुआत की गई है। केंद्रीय नेतृत्व के पास पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिकायत की थी कि उनकी ना तो मंत्री सुनते हैं और ना ही विधायक। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व में नाराजगी जताई थी। इसके बाद फिर से जन सुनवाई शुरू हुई जिसमें 40 से ज्यादा फरियादियों ने अपनी समस्या स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के सामने रखा। एक रक्तदान संस्था ने भी स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा। अपनी भावनाओं से तीन अलग अलग डेट में अवगत करा चुके हैं। लास्ट इनकी जन सुनवाई थी 18 फरवरी 2022 को। फिर हम लोगों ने एक सम्मान समारोह रक्तवीरों का किया 27 सितंबर 2022 को। उसके अलावा इनके जो विभागीय प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं जेसेक्स, उनको भी दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई है। आज मजबूरन जो है हम लोग को फिर से जन सुनवाई में आना पड़ा। और बेसिकली इशू जो है वो यही है कि रक्तदान से संबंधित है, उनके जन जागरूकता से संबंधित है, अंधविश्वास से संबंधित है, जेनरिक दवाओं से है, PSC CSC से संबंधित है, यहाँ पर ब्लड बैंक है, जो रेड क्रॉस सोसाइटी जिसकी स्थिति जर्जर है, माननीय मंत्री जी को वहाँ जा कर के देखना चाहिए था। 80 लाख रुपए की बस जो है लगभग 8 महीना से ख़राब हो रही है सरकारी बाबुओं के लापरवाही से। इसके अलावा आपका 1450 रुपए का आप प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर साहब ब्लड बेचते हैं, वो सभ्य भाषा बड़े जरूर है प्रोसेसिंग चार्ज। वही किन्नर समाज ने आंगनबाड़ी और रहने के लिए जमीन से जुड़ी फरियाद से मंत्री को अवगत कराया। तो जब सरकार ने हमको 1000 लागू कर दिए फिर हम लोग PSL के जमीन पर रहते हैं, हम लोग आवासीय चाहिए, देखो आंगनबाड़ी चाहिए, बाल बच्चा है, रोड उस पर हाइवा बन गया है, रोड उस पर बच्चा लोग के जाने में तकलीफ होता है, तो इसलिए जो हमारा एक आंगनबाड़ी का मांग है वो हम लोग का मकान घर जगह जमीन हो जाए। 5 लड़की 3 लड़का पाले हैं, पोसे हैं, BSL के जमीन पर रहते हैं, आज BSL उठा देगा लड़का लोग के कहाँ जाएंगे, हमारा तो जिंदगी देर दिन कर देंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद जन सुनवाई की शुरुआत की गई है। पार्टी नेता कार्यकर्ता और जनता की समस्याओं को सुना गया है, उनके द्वारा समस्याओं के समाधान के लिए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व का ये आदेश निर्देश हुआ है कि ये सरकार जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार की परिभाषा को अक्षसर परमार्जित किया जाए, और उसी के उद्देश्य प्रत्येक मंत्री को यह दायित्व दिया गया है कि वो कांग्रेस कार्यालय में 11 से 2 बजे तक वो जनता की समस्याएं सुने। और आज करीब 42 लोगों की समस्याओं को सुना गया है और विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि ये राज्य का मुख्यालय है और मुख्यालय होने की वजह से कई एक तरह की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य से भी जुड़ी हैं, कृषि से जुड़ी हैं, कुछ पुलिस प्रशासन के मामले हैं, कुछ कल्याण विभाग से जुड़े हैं, तो बहुत सारे मामले आए हैं, उन मामले पर यथाउचित सुनवाई की जा रही है और उनको कुछ को पत्र दिया जा रहा है, कुछ लोगों को डायरेक्ट संवाद स्थापित करके अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट कराया जा रहा है, तो समाधान करने की दिशा में एक ये मजबूत पहल है। झारखंड कांग्रेस के चारों मंत्री प्रत्येक सोमवार को कांग्रेस भवन में जन सुनवाई करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की जन सुनवाई में फरियादी को तीसरी बार आना पड़ा है। इससे यह भी साबित होता है कि जन सुनवाई में फरियाद सुनने के बाद भी समाधान नहीं हो पाता। हालांकि इस बार देखना है कि जन सुनवाई में आए फरियादियों की समस्या का कितना समाधान हो पाता है। सहयोगी हेमंत के साथ कमल कुमार की रिपोर्ट।